इंसान क्या है इंसान, कौन है इंसान? हर वो शख्स जो धर्म के दायरे में बंधा है वो इंसान, हर वो प्राणी जो दुनिया में किसी मकसद के लिए है वो इंसान। तो इंसान की परिभाषाएं अलग हो सकती हैं हर धर्म में, चाहे वो हिंदुओं का मंदिर जाना हो या मुस्लिमों का मस्जिद जाना, सिखों का गुरुद्वारे जाना हो या ईसाइयों का चर्च जाना। हर कोई अपने धर्म को लेकर थोड़ा पॉजिटिव तो होता ही है और होना भी बनता है। ये तो थी इंसानों की बातें, पर इंसानियत कहाँ है? है ना, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत को किसी धर्म या जाति से नहीं तोला जाता, एक ऐसी जगह जहां मुरादे हर इंसान की होती पूरी है। तो चलिए आपको ले चलता हूं एक ऐसी ही जगह जहां आप सर पर पगड़ी पहनते हो या टोपी, माथे पर तिलक ही क्यों ना लगाते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में मौजूद हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के बारे में। ये वो जगह है जहां हर भूखे को खाना, हर प्यासे को पानी, हर मुसाफिर को आसरा और हर भटके हुए को रास्ता मिलता है। इंसानियत का सबक दिया और खिदमत खल्क की, उसकी वजह से आज इनको पर्दा किए हुए 714 साल हो गए। सब चीज़ें जो है ना मोहब्बत से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका ताल्लुक जो है मोहब्बत से है। जो जितना जिससे करीब होता है उसके लिए वैसा ही तोहफा लेके आता है, वैसे ही उसके आगे वो पेश करता है। तो अगर यहाँ कोई बगैर फूल के भी आता है तो उसको दिल से आता है, अपनी मोहब्बत से आता है, वो भी कबूल है। कोई फूल लाता है तो वो भी कबूल है। ये सब अपने अपने तरीके हैं मोहब्बत के इजहार के, तो उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं। अगर इस दरगाह की रूह तक को महसूस करना है तो यहाँ की कव्वाली जरूर सुनिए। और इवन दे आर नॉट गोइंग टू अ स्टेज परफॉर्मेंस वेयर द कव्वाल्स आर सिंगिंग, दे आर टॉकिंग, दे आर क्लैपिंग हैंड्स एंड अदर थिंग्स, दे आर कमिंग टू अ श्राइन। तो फर्स्ट इट इज द रिस्पेक्ट ऑफ द श्राइन विच पीपल नीड्स टू मेंटेन एंड देन लिसन टू द कव्वाली। इंडो पाक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी मेरा जाना हुआ। तो ये पिछली दफा अभी मार्च के अंदर एक हादसा ऐसा हुआ कि मैं गया था तो वहां पर एक तबका है जो सूफीज्म के खिलाफ है, वो सूफियों को नहीं मानते, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो उन्होंने एक कहानी घड़ी कि मैं जो है हिंदुस्तान का एजेंट हूँ, राह का एजेंट हूँ और मैं इस तरह पाकिस्तान में आता हूँ तो वहाँ पे हिंदुस्तान की पब्लिसिटी करता हूँ। हालांकि बात हकीकत यह है कि जब हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान की आवाम बहुत चाहती है इन बुजुर्गान दीन को, उनको बहुत लगाव है इन बुजुर्गान दीन से। तो उस लगाव की वजह से वो हमसे भी मोहब्बत करते हैं, हमसे मिलते हैं, जब हमसे मिलते हैं जुलते हैं तो जब हम इनको यहाँ के इनके वाक़ियात बताते हैं, यहाँ बताते हैं यहाँ 50% हिंदू लोग आते हैं, यहाँ इस तरह चिरागा होता है, यहाँ इस तरह लंगर होता है, तो वो जो एक प्रोपगंडा कर रहे होते हैं इंडिया के खिलाफ वो सब खत्म हो जाता है। यहाँ एक ऐसी खूबसूरत बावली भी है जिसका जिक्र आपको कम ही मिलेगा। यहाँ के जमात खाने की ऊंचाई को देखकर दंग न रह जाइएगा। तो जानना चाहेंगे यहाँ की दुआओं का असर इतना क्यों है? तो चलिए बताते हैं आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में। यहाँ गेट पर आया तो मैं पहली बार आया, 54 की बात है। यहाँ भी वही हुआ, वो चलकर आगे आई और मैं हम तीन आदमी पीछे पीछे थे। तब यहाँ एक बुजुर्ग थे, इनके बाप के भी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि आप इनको 40 दिन बाबा की बाजार का एक फूल पत्ती और बौली का पानी डेली दो, इनको पिलाओ 40 दिन।
بیٹا یہ بولی کا جل میں دیتا تھا ان کو ڈیلی آتا تھا تو پھر انہوں نے کہا تو شی اسٹارٹیڈ ریکوری تو انہوں نے کہا ایک چلیسا اور کرو اس کو چلیسا بولتے ہیں دین اگین آئی کیم 40 دن آیا تو شی اسٹوڈ آن ہر اون لیگز تو یہ ہے میرا یہاں کا کرشمہ یقین مانیے گا ایسے کئی قصے آپ کو نظام الدین کی درگاہ میں سننے کو مل جائیں گے یہاں کی خوبصورتی اور پاک ماحول ہماری سوچ سے کہیں دلکش ہے یقین مانیے گا یہاں دیوالی بھی منائی جاتی ہے اور عید بھی تو آپ جب بھی یہاں آئیں اپنی دعاؤں اور مرادوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کو مت بھولیے گا